बिग बॉस 14 से हाल ही में बाहर जाने वाली कंटेस्टेंट पवित्र पुनिया शो में जाने से पहले ही विवादों में रही। वो शो की भी काफी विवादित और चर्चित कंटेस्टेंट रही। अब उन्होंने अपनी शादी के बारे में बयान दिया है, जिसे लेकर फिर से उनकी चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले एक होटल चलाने वाले सुमित महेश्वरी नाम के शख्स ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया था कि पवित्रा उनकी पत्नी है। सुमित ने कहा था कि शादी के बाद से पवित्रा उन्हें 4 बार धोखा दे चुकी है। शो में एजाज के साथ पवित्रा के रिलेशन को लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता दिखाई थी और कहा था कि इससे उनके परिवार को दुख हुआ है। अब पवित्रा ने एक इंटरव्यू में एजाज खान के साथ अपनी रिलेशनशिप और अपनी शादी के बारे में बात की है। उन्होंने बिग बॉस के घर में हुए अपने अनुभव को भी शेयर किया। पवित्रा ने कहा कि बिग बॉस के घर में उनकी जर्नी खूबसूरत और बुरी दोनों तरह से रही। कई गंदी लड़ाइयों ने सुंदर पलों को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि घर में रहने की वजह से उनकी हेल्थ खराब हो गई। उन्होंने कहा कि पहले 7 हफ्तों में वो कम एनर्जेटिक रही, 8वें हफ्ते में मेरा स्वास्थ्य और खराब हो गया। उन्होंने कहा कि घर में निकी सबसे फेक कंटेस्टेंट है। पवित्रा ने सुमित महेश्वरी के दावे पर कहा, अभी के लिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ही जल्द इस पर कुछ बोलूंगी। फिलहाल मैं भी एजाज के ख्यालों में हूँ। मैं सिर्फ उनके अनकट वीडियो देख रही हूँ और जान रही हूँ कि वो मुझे कितना मिस कर रहे हैं। मैं इस हिस्से को एंजॉय कर रही हूँ और इस बेवकूफी भरे टॉपिक की वजह से अपनी यादों को खराब नहीं कर सकती।